केंद्र सरकार के सलाहकार सदस्य एवं भाजपा के युवा नेता राम आशीष यादव पूरे जोर शोर के साथ जनसंपर्क कर रहे। मंगलवार को उन्होंने विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में भ्रमण कर जनसंपर्क किया। सर्वप्रथम में मझियाओं के टड़हे बाजार पहुंचे, यहां उनके समर्थकों ने इनका जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात वो लावा चंपा आदर लेवा टांड आदर सेमरी विद्यालय नावाडी जत्रो बंजारी कुसुमिया दामर खरसोती आदि जगहों पर गए। जनसंपर्क यात्रा के दौरान उनके साथ कई समर्थक चलते हुए नजर आए। वो जहां भी गए अपने युवा नेता से मिलने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का कहना है कि राम आशीष यादव उनकी पहली पसंद है। युवा शक्ति ही अब विश्रामपुर विधानसभा का कायाकल्प कर सकती है। लोगों द्वारा मिले अत्यंत स्नेह से राम आशीष यादव भाव विभोर हो उठे। जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों से आभार प्रकट करते हुए विश्रामपुर की बदहाली पर गहरा शोक जताया। उन्होंने ग्रामवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि विश्रामपुर विधानसभा को अब और परिवारवाद की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, गरीबों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। आगे कहा है कि विश्रामपुर की तरक्की के लिए रण में उतर चुका हूँ, अब चाहे जिससे भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ूंगा। परिवारवाद भाजपा की नीति नहीं है, न इसके लिए जगह है। जनसंपर्क के दौरान उदेश चौधरी, दशरथ साव, बैद्यनाथ राम, अश्रेश पाल, शिवनाथ चौधरी, सीताराम साव, मनोज चौधरी, राजेश पाल, परशुराम, प्रयाग चौधरी, सुशील कुमार, प्रिंस कुमार ठाकुर, सत्येंद्र प्रजापति, करीमन राम तूफानी, मेहता आशीष, सुशील यादव, अविनाश कुमार, रामाशीष पासवान, अभय यादव, अजय पासवान, सतीन्द्र यादव, अनिल विश्वकर्मा, विक्रम चौधरी, संजय साव, शंकर राम सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। लवकुश कुमार सिंह की रिपोर्ट। ब्रजेंद्र कुमार पाठक भावी विधायक प्रत्याशी समाज सेवी से भाजपा वरिष्ठ नेता, हमारा प्रयास आपका विश्वास तय करेगा क्षेत्र का विकास। 77 मझियाओं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी ब्रजेंद्र कुमार पाठक की ओर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।